हेलो, तो आज हम बात करेंगे शर्मीन सहगल के चेहरे के बारे में। जितने लोगों ने भी हीरा मंडी देखा है उन लोगों ने काफ़ी सराहना की है हीरा मंडी की, सिवाय शर्मीन सहगल के। अब जब मैंने भी ये पूरा सीरीज़ देखा और जब मैंने ये पूरा सीरीज़ देखा तब मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं शर्मीन के एक्सप्रेशंस ऐसे चेहरे पर आ नहीं पा रहे। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि इस पर एनालिसिस करूँ। एक तो जब हम फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में बात करते हैं इसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हम अपने आईब्रो से और अपने आँखों के मूवमेंट से दुखी हैं या गुस्सा है या कुछ भी हम यहाँ से व्यक्त करते हैं, और जो दूसरा हिस्सा है सेकंड पार्ट, इससे हमें यहाँ के मसल से हमें और ज़्यादा एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डिसगस्ट है या घृणा है तो वो आप ये करेंगे, तो नाक जब सिकुड़ते हैं तो यहाँ की जो है आपको देखने को मिलेगा, यहाँ के मसल्स एक्टिव होते हैं। डिस्गस्ट या तो नोज श्रिंक से होता है या तो सिर्फ अपर लिप के उठने से भी होता है, जैसे ये, तो ये डिस्गस्ट माना जाता है। अगर हम शर्मीन के चेहरे को देखें, ये एक स्टिल है, और उनके चेहरे पे एक जो चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल है वो है उनके लिप्स। आप देख सकते हैं उनके कॉर्नर के लिप्स को थोड़ा सा अप किया जाएगा। अब जब हम यहाँ के लिप्स को इस तरह से उठा देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट चेहरा जो है वो स्माइलिंग फेस में आ जाती है, देखिए, राइट? तो इवन इफ हम वो फील नहीं कर रहे, बट क्योंकि यहाँ से चेहरे को एक थोड़ा सा लिफ्ट दिया गया है, सीरियस वाला जो भी फेशियल एक्सप्रेशन से वो कभी आएगा नहीं। और जब मैं बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग देती हूँ एक्टर्स को या इवन ब्यूटी पाजेंट्स को, तो मैं उनको एक चीज़ सिखाती हूँ जो कि है रेस्टिंग फेस। तो जब आप स्माइल नहीं कर रहे हैं तब आप कैसे दिखते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं स्माइल नहीं कर रही हूँ तो ये है मेरा रेस्टिंग फेस। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे रेस्टिंग फेस में चेहरा जो है उसमें लिप्स मेरे डाउन है, तो डाउनवर्ड। मोस्ट ऑफ द लोगों के चेहरे में लिप्स ऐसे डाउन की तरफ होते हैं। अब ये जो लिप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस चीज़ को हम लिटिल बिट एफर्टलेस बना सकते हैं अगर इसको हम उठा दें। तो एक रेस्टिंग फेस, एक अच्छा रेस्टिंग फेस अगर आपको अप्रोचेबल दिखना है तो इस तरह से दिखेगा। सिर्फ लिप्स को स्ट्रेट कर देने से हम अप्रोचेबल लग रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, शर्मीन का जो चेहरा है वो थोड़ा उनका और ऊपर उठा हुआ है। सो दिस इज़ द रीज़न दैट यू कैन नॉट सी द प्रॉपर फेशियल एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। हो सकता है, अगेन दिस इज़ अ स्पेक्यूलेशन, कि यहाँ पे भी कुछ किए गए हो, कुछ सर्जरी वगैरह, और इसीलिए बोटॉक्स को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, या फिर इंजेक्शंस या फिलर्स। क्या होता है कि जब आप यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं तो बेशक ये सब फाइन लाइंस रिमूव हो जाते हैं, ये सब ऐसे स्ट्रेट हो जाते हैं, बट उसके अलावा ये भी होते हैं कि इन सारे मसल्स को वो पैरालिटिक कर देता है, तो आप आईब्रो उठा नहीं सकते। जितने भी लोग यहाँ फिलर्स लेते हैं वो ऐसे नहीं कर सकते, वो ऐसे नहीं कर सकते, तो उनका आईब्रो एकदम ऐसे ही रह जाएगा, डेड। तो इसलिए भी आपको ये शक्ल देखने को मिलती है जो फेशियल एक्सप्रेशन लेस हो जाती है। ये तो रही फेशियल एक्सप्रेशंस की बात। अब अगर हम बात करें आवाज़ के हिसाब से भी, तो आवाज़ में भी एनर्जी की कमी थी, और इवन लो पिच होने के कारण एनर्जी की कमी ने आवाज़ को और डेड बना दिया, इसलिए आवाज़ में भी वो खूबसूरती नहीं सुनने को मिली। फॉर एग्जाम्पल, उनका वो डायलॉग, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, चलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। आवाज़ के हिसाब से भी जितने भी हमने हिस्टोरिकली देखे हैं उस रोल में, तफायफों के रोल में, हमेशा हमने आवाज़ को बड़ा ही ज़्यादा महत्व दिया है। अगर आपने देखा हो माधुरी दीक्षित का कोई लाइन फ्रॉम देवदास, हर दुख आने वाले सुख की चिट्ठी होती है देव बाबू, और हर नुकसान होने वाले फायदे का इशारा, या फिर इवन रेखा जी के लाइंस, क्यों आज उसका जिक्र मुझे खुश ना कर सका, क्यों आज उसका नाम मेरा दिल दुखा गया, या फिर मीना कुमारी, बहुत दिनों से मुझे ऐसा कुछ लगता है जैसे मैं बदलती जा रही हूँ, जैसे मैं किसी अनजाने सफर में हूँ। इन सब की आवाज में एक अदा थी जो कि यहाँ इस कैरेक्टर में उतना देखने को नहीं मिला। दूसरी बात, शर्मीन की आवाज़ थोड़ी लो पिच्ड वॉइस है, बाकियों की जितने की भी एक्ट्रेस की आवाज़ है, इवन रेखा जी की आवाज़ भी लो पिच्ड है, बट शी प्रेजेंटेड हर वॉइस इन अ वेरी सेंशुअस वे। तो ये बड़ा ही रोबोटिक सा, मोनोटोनस से साउंड कर रहा है, आवाज़ में थोड़ी और
एनर्जी और लय का होना ज़रूरी था, इसलिए भी आवाज़ रूखी साउंड कर रही थी। लो पिच्ड आवाज़ जो है वो भी लय में हो तो अच्छी साउंड कर सकती है। यहाँ पे आवाज़ की कमी के कारण भी आलमजेब का जो कैरेक्टर था वो उतने अच्छे तरीके से निखर के बाहर नहीं आ सका। आपका इस बारे में क्या मानना है प्लीज़ कॉमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच।